वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आए हुए थे पैन एमिरेट्स और मैंने लेने थे सोफाज के लिए थोड़े से डेकोरेटिव कुशंस। तो मैं ये खोल के देख रही थी कि ये इनके अंदर कौन सा वाला कुशन है, और ये फील्ड कुशंस थे। कुछ ऐसे मिलते हैं ना कि जो सिर्फ कवर्स होते हैं और आपको उसके अलावा कुशंस अलहदा से लेने होते हैं, ये फील्ड वाले थे और ये बहुत प्यारे लगे थे। इन पे शाइनी वाले बीड्स भी थे, लेकिन फिर लेटर ऑन मैंने ये रख दिए और कोई और लिए थे, तो वो मैं आपको रीजन बताऊंगी क्यों। तो ये बड़े प्यारे यहाँ पे बीड्स वाले आए हुए थे और यहाँ पे सेल भी ऑन थी। सेल के बावजूद 129 130 दिरहम्स के कुशंस थे, जो कि बहुत कॉस्टली हैं। इतने ज्यादा मैंने कुशंस पे लगाने नहीं थे, बट एनीवेज, तो यहाँ से हमने ले लिए पिलोज, और पिलोज यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। उसके अलावा मैंने खैर काफी सारे कुशंस देखे और फिर हम घर आ गए। और ये थी एक दिन की वीडियो, और उसके बाद फिर अगले दिन हमारे यहाँ पे दोबारा चक्कर लगा। ये देखिए कितना प्यारा ये कुशन था। पहले मैंने सोचा कि मैं बेडरूम के लिए लूँ, लेकिन मैंने कहा फिर कभी देखी जाएगी, सारी चीजें एक ही दफा में आके ले जानी जरूरी नहीं होती हैं। पिलो कवर्स लिए और हम सॉरी पिलोज लिए और हम चले गए घर। होम बॉक्स से फाइनली मुझे फ्लीस ब्लैंकेट्स मिल गए हैं, जो कि बिल्कुल मेरे सोफ़ाज़ के कलर के हैं। मुझे ना कोई डिफरेंट ज़रा सा भी कलर नहीं चाहिए था। मैं डे टू डे से भी देखे थे मैंने, और मैंने पैन एमिरेट्स पे भी देखे हैं, होम सेंटर पे भी देखे हैं, बस मैं होम ज़रास वगैरह पे नहीं गई क्योंकि आई डोंट थिंक वहाँ पर फ्लीस मिलने थे। बहरहाल हो सकता होते हूँ, लेकिन मुझे डे टू डे पे मिला था, लेकिन बहुत ब्राइट कलर, तो मजबूरी में मैं वही लेके आई थी क्योंकि क्लोजेस्ट कलर वही था। लेकिन यहाँ पे ये देखें ज़रा, मुझे जो है ना, वैसे सोफ़ास कवर जो होते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे ये फ्लीस ब्लैंकेट्स बिछाने अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कलर मिल गया, ऐसे लग रहा है कि इसी कलर के ये सोफ़ास बनवाए गए हैं या सोफ़ाज़ के कलर का फ्लीस बनवाया गया है। या इट डज़। इस वक्त रात के पता क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और हम ये चीज़ें लेके आए हैं। ये मुझे चेंज तेहामी के मुंह पे भी 12 बज रहे हैं। हाँ जी, और मैं और भी क्या चीज़ें लेके आई हूँ मैं, ये ना पैन एमिरेट्स आज भी हम गए थे, थोड़ा सा क्लिप आपने कल का देखा था, फिर ये आज भी हम दोबारा गए हैं। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, अगले दिन मैंने आपसे कुछ शेयर नहीं किया मजीद। तो खैर आज ये वापस आए हुए हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ। छोटे छोटे वाले डिटेल में बाद में बात करेंगे, बड़ा क्यों नहीं लेके आई हूँ। तो साथ में ये हम कल ही लेके आए थे पिलो कवर्स वगैरह, उसके अलावा हम गिफ्ट मार्केट भी कल ही गए थे, वहाँ से हम ये लेके आए थे टिश्यूज़ वगैरह। मिशी के लिए थोड़ी सी पजल बुक्स थे, वो ट्रैश बैग्स थे, और ये थोड़े डिस्पोजेबल ग्लास खत्म हुए हुए थे। जो आपने ट्रॉली में मुझे देखा था ना लिए हुए कुशंस, जो डेकोरेटिव कुशंस थे, वो मैंने वापस क्यों रखे थे, उसकी वजह ये थी कि ये जो मेरे सोफाज हैं, मुझे ख्याल ये आया कि इनकी ये जो बैक है, बैक पिलोज जो हैं, ये इनसे हाफ कुशंस होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो छोटे साइज के बीड्स वाले, और वो थे भी फुल ऑफ बीड्स, मुझे बीड्स वाले आजकल मैंने देखा कि ये आए हुए थे, इन थे, बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ज्यादा बीड वर्क हुआ हुआ था, तो मैंने वो वाले छोटे वाले लिए। सो क्या होगा कि वो छोटे छोटे से क्यूट लगे, क्योंकि बैक मेरे सोफाज की बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। अच्छा जी, ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। हमारे हाउस हेल्प ने आना था, तो मैं भी थोड़े बहुत काम ही निपटा रही थी और शहजाद भी काम निपटा रहे थे। ये उस दिन की वीडियो है जब शाम में हमारे घर आने थे गेस्ट, जो कि आपने देख लिया कल वीडियो, जिसमें वो मैंने पिज्जा के साथ साइड्स बनाई थी, उसी दिन की ये मॉर्निंग है। तो अब चूंकि थोड़ा सा कुकिंग का सेपरेट किया हुआ ना, तो ये आपको मैंने कहा ये ब्लॉग भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो मेरी टीम ए है वो फिर सैड हो जाती है ना। अच्छा, ये वो वाली बेडशीट है जो मैंने आपको दिखाया था ना, दोनों साइड से ये डिफरेंट है। बहुत से लोगों ने कहा आपने ये कहाँ से लिया, प्लीज हमें भी बताएं, तो इसकी स्टोरी भी आप सुन लें। ये मेरे साथ धोखा हो गया, डे टू डे से मैं लेके आई ये समझ के कि ये है बेडशीट, लेकिन ये था डुवे कवर। तो फिर इस वजह से हमने क्या किया कि रोला गए और उनसे हमने कहा कि इनके दोनों साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसकी साइड पे जिप लगा दो और हमें ये बेडशीट बना दो, तो इस वजह से ये बेडशीट है। डुवे कवर विद पिलो कवर था, तो ये दोनों साइड पे फिर अब इसका काम हो जाता। खैर, ये पुराने पिलोज जो है ये हमने इनके हटा दिए, और इसकी जगह फिर हमने न्यू पिलोज भी शहजाद ने लगा दिए। शहजाद मेरी हेल्प करा रहे थे क्योंकि मैंने ज्यादातर किचन में काम करना था, और शहजाद ने कहा कि मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज कर देता हूँ, और हमारा हाउस हेल्प भी आ गया। बस इसके भी आखिरी आखिरी वीक्स चल रहे हैं हमारे घर में, उसके बाद फिर मैंने काम करना खुद शुरू कर दिया। तबीयत मेरी ऑलरेडी काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत से लोग कहते हैं आप यहाँ पे बहुत डल लगती हैं, वीक लगती हैं, मैं वैसी की वैसी हूँ, बस ना लाइट डिफरेंट होती है। जिन लोगों की अंडरटोन येलो होती है ना, उनके यही प्रॉब्लम होते हैं, जरा सी लाइटिंग डिफरेंट होना गिरगिट की तरह रंग बदला हुआ नजर आता है। तो येलो अंडरटोन वाले लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। तो जिनका अंडरटोन जो है ना वो पिंक होता है ना, वो किसी भी, चाहे येलो लाइट है, वाइट है, डार्क है, लाइट कम है, वो उनका अपना कॉम्प्लेक्शन ओरिजिनल नजर आता है। तो हम लोग जो है ना वो टोन उनके ना लाइट के हिसाब से थोड़ी चेंज हो जाती है। तो एग्री करना, यस और नो जरूर बताना मुझे। तो इसलिए बस ऐसे लगता है कहीं पे ज्यादा लाइट होगी तो मैं ऐसे ब्राइट ब्राइट सी खिली खिली लगूंगी, लाइट ऐसे डिम सी होगी तो मैं डल और बीमार लगूंगी। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये भी मैंने वॉश कर लिए थे, कवर्स भी मैंने नए मंगवाने, कुछ दिल चाह रहे कवर्स चेंज करने का, लेकिन हर चीज एक ही महीने में खर्चे खर्चे, मैंने अपना एक बजट रखा होता है उसको मैं एक्सीड नहीं करती। सो अभी एक दो महीने में यही चलाऊंगी। तो थोड़े बहुत काम थे वो निपटा के मैं तो आ गई किचन में, क्योंकि मैंने बनानी थी ये साइड्स, पिज्जाज वगैरह हमने ऑर्डर करने थे, जो कि मैंने आपको कल सारी वीडियो दिखा दी थी। तो बाकी बस मुझे साइड्स प्रिपेयर करनी थी, तो बस ये मैकरोनी बना ली, और उसके अलावा बना लिए मैंने रशियन सैलड था, फिर कॉर्नफ्लावर कह रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स कोटेड चिकन था, और साथ में क्या था, क्रंची पोटैटो वेजेस थे। कल मेरा ख्याल है वीडियो में मैं बार बार कॉर्नफ्लेक्स को कॉर्नफ्लावर बोलती रही हूँ, और इतने सारे लोग, आप लोग हंस रहे थे कि बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात। तो कई दफा हो जाता है, नहीं अंदाजा होता, और वो वीडियो में आधी रात को बैठ के वॉइस ओवर करी थी, गेस करें आप, तभी इतनी गलतियां हो रही थी ना। ये सारे गिफ्ट्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए लेके आए हैं, और सबसे पहले जो है मेरी फ्रेंड वो लेके आई है ये बकूल, ये है ऊद अल अबीर, और क्योंकि मेरी फ्रेंड को पता है कि मैं, मुझे बकूल बहुत पसंद है, वो कहती इसलिए मैं आपको बकूल लेके आई हूँ। और इसके अंदर इतने प्यारे बने हैं ये, इसके अंदर राउंड बने हुए हैं, ये वही है जिनको मैं रख के ना, तो कोयला रखती हूँ और उसके ऊपर रखती हूँ, फिर इसका धुआं निकलता है और सारी खुशबू जो है वो फिर सारे घर में आती है। ये अरब्स का कल्चर है, अरब्स बहुत यूज करते हैं बकूल, ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है और इससे घर में अच्छी खुशबू भी आती है। जो जेंट्स होते हैं ना, वो तो अपने कपड़ों में, अपने शिमाग में, अपने दाढ़ी वगैरह में भी ऐसे इसको धुआं देते होते हैं अरब्स जो है, और औरतें जो अपने इनमें हिजाब्स में और अपने अबायास में करती हैं, ऐसे बैठ जाती हैं धुएं के ऊपर के, ताकि अच्छी अच्छी खुशबू उनके कपड़ों में आ जाए। अरब्स में बहुत कल्चर है, तो हम वो भी यूज करते हैं घर के लिए, घर बड़ा अच्छे से डिसइंफेक्ट रहता है, और मतलब ये एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं। एक वो चीज़ है कि आप एंटी बैक्टीरियल स्प्रे करते हैं फिर घर में, एक वो है कि आप बकूल जला लें, तो और खुशबू तो इतनी प्यारी होती है कि क्या ही बात है। सो थैंक यू साइका, थैंक यू सो मच, ये बहुत बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत ही प्यारी खुशबू है। सो इसको मैं जलाऊंगी कल। जो दूसरी फ्रेंड है मेरी सबा, वो ये दो चीजें लेके आई है, क्योंकि ये तो घर के लिए है, और ये जो है वो गई हुई थी कतर, तो वापसी पे वो लेके आई है। ये बहुत बहुत प्यारा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है परफेक्ट साइज, बहुत प्यारा है, ग्लास का बना हुआ है, और ये है 8 इंच केक के लिए, परफेक्ट साइज है। मेरे पास ज्यादा जो मैं यूज करती हूँ, आपको अक्सर मैं रेसिपीज में लिखती हूँ, 8 इंच केक पैन, स्टैंडर्ड साइज वही होता है, और बहुत प्यारा है ये, बहुत बहुत प्यारा है, और हैवी ग्लास का, और ऊंचा भी है कि चलो अगर डबल ट्रिपल थ्री टीयर केक बनाना है ना, तो उसके लिए अच्छा है। सो बहुत प्यारा है, थैंक यू सुबा, थैंक यू सो मच। उसके अलावा एक ड्रेस ये लेकर आई है सबा, ये है फ्रॉम मैंगो, और ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। उसको पता है कि मैं इंस्टा के ड्रेसेस पहनती हूँ, मुझे इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो ये वो लेकर आई है, बहुत प्यारा है, और ये है एक, और फुल स्लीव्स, उसको पता है हिजाबी हूँ, फुल स्लीव्स पहनती हूँ। थैंक यू सो मच सबा। और ये वाला जो है ना, मैं तो देख चुकी हूँ पहले, आपको दिखा रही हूँ। और ये है फ्रॉम नेक्स्ट, और ये इसका फ्रंट है, ये भी फुल स्लीव्स है, और ये भी फ्रॉक है, इसको छोटे छोटे फ्रिल है, और इसकी क्यूट बात यह है कि इसके आगे और पीछे जो है ना, यहाँ पे भी फ्रिल्स हैं, जो कि अभी ज्यादा ये प्रेस नहीं हुई भी, मतलब स्टिच नहीं हुई है, प्रेस नहीं हुई ना, तो फ्रिल्स नजर नहीं आ रही, लेकिन ये इसके यहाँ पे ना बहुत प्यारे फ्रिल्स हैं। इस तरह की मैंने ना एक बार ली थी, कहाँ से ली थी, स्ट्रैडिवेरियस से ली थी या फिर सेंटरपॉल से ली थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, लेकिन ये वाला जो स्टाइल था ना, ये उस वक्त भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, इनफैक्ट मैंने अभी तक वो रखी हुई है। एक फ्रिल ऐसे आ रही है और दूसरी फ्रिल यहाँ से ऐसे जा रही है, इस तरह से आई है, बहुत प्यारा है ये।
थैंक यू सो मच सबाई, बहुत प्यारे कपड़े हैं। हम आगे रौला अबायास लेने के लिए, मुझे कुछ बस आम सा एक अबायास सा देखना था। यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, वैसे तो मॉल्स वगैरह है वहाँ पे ब्रांडेड अबायास भी होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे लेना था नमाज के लिए। और मेरे घर के बिल्कुल नीचे ही मस्जिद बनी हुई है, उसकी आवाज़ आती है 5 वक्त, तो बड़ा दिल करता है कि बस फटाफट से ना नमाज पढ़ने जाया करूँ मैं भी। तो आई मैं अबायास देखने के लिए, बड़े सारे अबायास देखे शौक से मैंने, एक एक अबाया का डिज़ाइन देखा। ये कितनी प्यारी स्लीव थी इसकी, लेकिन मुझे इस तरह की चाहिए ही नहीं थी, मुझे बस नमाज के लिए अबाया चाहिए था। यहाँ पे प्राइस बहुत रीजनेबल थी, ज्यादा से ज्यादा भी कोई थे ना अबाया, तो 110-120। तो मैंने भी जो अबाया लिया था ना वो 90 dirhams का, या पता नहीं 95 का वो बता रहा था, तो फिर दिया था उसने 60 dirhams का। ये 60 का अबाया लेके आई हूँ मैं। ये है जी जो मैंने मंगवाया। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अबाया में कौन सा लेके, मैं लेके आई ब्लू कलर में अबाया। ये तो उसका नॉर्मल जो दुपट्टा है ये वो है, और मेरे पास ब्लैक कलर का तो अबाया है जो आपने मुझे उमरा पे पहने हुए देखा था, वो अबाया मैंने सऊदी अरब से लिया हुआ था और अभी तक मेरे पास वो है। बस उसके ना सारी स्लीव्स फट गई हैं उमरा के दौरान ना, तो पुराना हो गया ना, जॉर्जेट के होते हैं तो वो फट गया था, तो वो भी मैंने स्टिच करवा लेना और वो मैंने ना अपने पास रख लेना, उसको भी यूज़ करना है। सो ब्लैक मेरे पास है तो मैंने ब्लू ले लिया, और ब्लू जो है ना मैंने उसमें भी वही सेम पैटर्न उसी तरह की स्टिचिंग, ये देखें ये टाइप की स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, एम्ब्रॉयडरी है ये, मुझे बहुत पसंद है। और जो ही मुझे ये नज़र आया ना तो मैंने ये ले लिया, और मुझे साइज़ पूरा आया है 54। तो ना क्या हुआ कि शहजाद कहते हैं कि इस तरह का तो ब्लैक में भी है आपके पास ना, तो ये क्यों ले लियो ये। तो मैंने लेकिन इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत पुराना स्टाइल है, 4-5 साल पहले मैंने अबाया लिया था, उस पर भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी थी। नए वाले स्टाइल्स भी सारे पड़े थे रोला मार्केट में ना, सारे लेटेस्ट डिज़ाइन भी पड़े हुए जो आपको मॉल्स में बड़े बड़े जो अबाया के आपको मतलब अबाया के जो ब्रांड्स हैं ना वहाँ भी जो आपको डिज़ाइन नज़र आते हैं रोला में भी वो आपको नज़र आ जाएंगे। कि अगर आपने ब्रांडेड वाले प्राइस पर नहीं जाना, अपने आप रेगुलर प्राइस पर लेना है, तो आप रोला से भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे जो है मुझे यही चाहिए था, मैं क्या करती, इतने प्यारे प्यारे अबायास देते, डिजाइन देते, स्टाइल्स, पर मुझे यही चाहिए था। बस ये चीज़ मुझे थोड़ी इसमें अच्छी नहीं लगी है, जो ऐसे करके बैग पे ना ऐसे तीन ऐसे खाली जगह ना यहाँ से इसकी, मेरा दिल चाहता कि नेक लाइन से डायरेक्ट ऐसे ना इसकी एम्ब्रॉयडरी शुरू हो जाती। मेरे पिछले अबाया पे ऐसे ही, बट इट्स ओके, खैर ये है, थोड़ा सा तो होता ही, अपनी मर्जी हर जगह नहीं चलती। तो ये फ्रंट जो है इसका ऐसे प्लेन है, बस शोल्डर्स पे ऐसे स्टिचिंग थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, और ये स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, तो मैंने ये ले लिया है। और ये मैंने लिया है 60 dirham का ओनली, तो चलिए अब मेरी नमाज वगैरह हो जाया करेगी। अमेज़ॉन से मुझे 2-3 ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ मुझे मंगवाना क्या था। सबसे पहले तो पेसल एंड मॉर्टर जो सिलबट्टा होता है ना वो मुझे चाहिए था, और वो मुझे चाहिए था प्योर स्टोन का, और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। इसको मैंने पहले सीजन करना है, बहुत हैवी है, और जितने हैवी होते हैं ना उससे भी ग्राइंडिंग ईजी हो जाती है। इसको ना फिर सीजन मैंने करना है, पहले इसमें हम वो जो चावल है उनको फिर हम ग्राइंड करेंगे, फिर इसको लहसुन से और वो नमक वगैरह से सीजन करना होता है। नहीं तो अगर सीजन नहीं करते तो क्या होता है कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ना पाउडर टाइप वो क्या कहते हैं पत्थर का निकलता रहेगा, जो भी चीज़ हम इसमें ग्राइंड करेंगे उसमें पत्थर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम पहले सीजन करेंगे, फिर हम गुड टू गो होगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लें जी, ये मेरा सबसे फेवरेट काम है, चीज़ों को असेंबल करना बहुत बहुत मुझे मज़ा आता है, और मैं इतनी कोई खुश हो रही थी ना कि बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं अमेज़ॉन से। अभी तक मैं आज तक मायूस नहीं हुई, हाँ मैंने खुद अमेज़ॉन पे बहुत काम किया है तो मुझे पता है कि चीज़ों की प्राइस जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ही होती है, लेकिन हाँ ये भी है कि वो चीज़ें जो मार्केट में नहीं मिलती वो आपको मंगवानी अमेज़ॉन से ही पड़ती हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं मिली हैं, जितना मैं फिरती हूँ आपको अंदाज़ा हो ही गया हुआ है। तो जब मैं कह रही हूँ ना नहीं मिलती तो मतलब नहीं मिलती, बहरहाल असेंबल हो गई है। तो चले मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या मंगवाया। बहुत अच्छी आइटम्स आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अमेज़ॉन पे सिर्फ ये होता है कि आप रिव्यू पढ़ के अच्छी तरह से आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपने मंगवाने के नहीं, तो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मंगवाई हैं मैंने और बहुत अच्छी आई हैं। मैं ढूंढ रही थी इस तरह का एक ब्रूम और साथ में डस्ट पैन कि जो ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये नॉर्मली ऐसे होते हैं, मेरे पास भी ऐसा ही है, और बस ये है कि ऐसे करके मैं इसको रख लेती हूँ। तो दरवाजे के पीछे ना, अब तो इस दरवाजे के पीछे जगह कम है, तो मेरे लिए बड़ा मसला आता है, कभी ये दरवाज़ा खोले कभी ये गिर जाता है, कभी ये गिर जाता है, ठीक है।
तो ये क्या है कि एक तो इसके पीछे मैग्नेट है, ये दोनों में मैग्नेट है और ये इसके साथ लग जाता है यूं, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये गिरेगा नहीं अलहदा होके। नॉर्मली अगर हुक होती है, मेरे पिछले वाले में हुक है तो वो हुक से निकल के गिर जाता है, अब ये नहीं गिर रहा। दूसरी चीज ये है कि ये स्पेस सेविंग है, ये देखें ये, तो बस इस वजह से मैंने इसको लिया है और ये मुझे मिला है 42 दिरहम्स का। दूसरा मैंने लिया है स्प्रे मॉप। स्प्रे मॉप मेरे पास जो है ना वो था गिफ्ट मार्केट का, वो 20 दिरहम्स का था और वो तकरीबन 2 साल चला, उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से लीक करने लग गया तो उसको मैंने फेंक दिया, उसने अपने पैसे चुकाजे पूरे किए। अच्छा, अब ये है 68 दिरहम्स का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसके क्या फीचर्स है और मैंने यही क्यों लिया, मैं गिफ्ट मार्केट से दोबारा क्यों नहीं लेके आई। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए, क्या था मुझे चाहिए, ये था मेरे पास बकेट मॉप, घर की सफाइयां वगैरह मेरा प्लान है, मैंने खुद करना है, तो मैं चाहती थी कुछ स्पेस सेविंग आइडियाज अपने घर में इम्प्लीमेंट करूं जो कि मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तो मैं चाहती थी कि बकेट मॉप से ना मैं किसी तरह से जान छुड़ाऊं, तो मेरा जो बकेट मॉप है उसके साथ भी एक ही वो माइक्रोफाइबर जो उसके वो क्लॉथ होता है ना वो एक ही है, तो या तो मैं बकेट मॉप भी नया लूं ताकि उसके साथ मुझे 2 एक्स्ट्रा मिले, ताकि एक को मैं वॉश करूं, वो वॉश कर करके भी अब गंदा सा ही हो गया है तो उससे इतनी अच्छी सफाई नहीं होती, तो बकेट मॉप भी अब फेंकने वाला हो चुका है। ठीक है, तो ये इश्यूज आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो एक नई चीज प्रॉपर एक दफा ले लेते हैं। अच्छा, तो गिफ्ट मार्केट तो होगी रिजेक्ट, 20 दिरहम्स का मुझे वो नहीं चाहिए था क्योंकि चल तो जाता वो आगे लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही क्लॉथ मिलता है और उसको उससे आप पूरा घर नहीं साफ कर सकते, उसको आपने उतारना है, खड़े होकर धोना है और फिर लगाना है और फिर दोबारा से आपने आधा घर साफ करना है, तो वो हैसल बन जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं यूज होता। फिर मैं गई गिफ्ट मार्केट, सॉरी कारफोर, वहां पे मैंने वायलेडा का देखा लेकिन वो 134 का था और उसमें माइक्रो फाइबर क्लॉथ था, पैड्स थे इस तरह के और सिर्फ ये वाले थे, ठीक है ये वाले साइड थी और वो था 134 का, तो मैंने कहा इतना महंगा मैंने क्यों लेना भाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अमेजोन पे देखती हूँ, इसको तो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया भाई, तो ये तो मैंने मंगवाना ही था तो मैंने कहा चलो मैं ना देखती हूँ। अच्छा, ये मैंने फिर फाइनल किया। अब इसके फीचर्स आप देखें, ये भी स्प्रे बॉटल इसमें है, ठीक है, और हाफ लीटर की स्प्रे बॉटल है और मेरे घर के लिए हाफ लीटर काफी, इसमें थोड़ी सी क्लोरॉक्स, थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट लिक्विड और फ्लोर क्लीनर जो होता है लिक्विड, और बाकी सारा इसमें पानी डाल के तो मेरा पूरा घर इससे साफ हो जाए। तो ये देखिए, अगर इसकी ये जो है ना इसका जो माइक्रोफाइबर पैड है ये डबल साइड वाला है और अगर मैंने कोई ड्राई चीज साफ करनी है तो उसको मैं ऐसे मैंने रखा हुआ है ना, तो इसको बस मैंने ऐसे यूं किया कि देखिए मेरे यहाँ पे हाथ है, स्प्रे वाली जगह ऐसे ही है और यूं मैं ड्राई साइड से साफ करी। अब मैंने इसे वेट साइड से करना है, मैंने इसको यूं करके, अभी मुझे आदत नहीं है, मैंने यूं किया ऐसे और ये वेट साइड से मैं इसको यूं स्प्रे करके यूं कर। और फिर अच्छी बात ये भी है ना कि मशीन वॉशेबल है, देखिए उतरता कैसे है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके उतारा और ये उतर गया, ठीक है। फिर ये मैंने फर्ज करेंगे दूसरा लगाना है और इसको मैंने यहाँ से खोला और इसको पहले एक साइड से अंदर डाला यूं और दूसरा लगा लिया। दो रूम्स हैं, एक लॉबी है और साथ में एक जो लिविंग रूम है, आधे आधे तो कारपेट्स डले हुए, रग्स डले हुए हैं, तो सारे एरिया जो हैं इनको चेंज कर करके मैं घर को साफ कर लूं। फिर ये डायरेक्ट गए वॉशिंग मशीन में और धुल के और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया और नेक्स्ट क्लीनिंग के लिए ये रेडी है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी इन फाइंड्स के साथ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी चीजें मैंने मंगवाई हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में। यूजुअली यहाँ पे दुकानों पे तो ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, स्टोर्स वगैरह पे, वेरी हैप्पी। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं, आपको पता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में नहीं करती हूँ, ये मेरे अपने जाती पैसों की, आपको अच्छी लगे तो जरूर ले लें, कोई मेरे पास कोड नहीं है, मैं आपको कोई कोड नहीं बता सकती तो अगर आपको अच्छी लगे तो ले लें, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप घर पर खुद सफाई करते हैं ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, मैं बता रही हूँ। बहरहाल चलें जी, काम खत्म करते हैं और बाकी काम देखते हैं क्या करने हैं, बच्चों के साथ थोड़ा बैठ के मूवी देखती हूँ मैं भी।